ये मैं क्या कर रही हूँ आज डेफिनेटली आपके लिए टिप लेकर आई हूँ रिलेटेड टू योर हेयर एंड हेयर ब्रशेस हम लोग कितना पैसा स्पेंड करते हैं हेयर कोम ब्रशेस पे कोई पैडल कोम होती है कोई स्ट्रेट ब्रश होते हैं कर्ली बालों के लिए अलग स्ट्रेट बालों के लिए अलग हम लोग डी टैंगलो ब्रशेज़ भी यूज़ करते हैं बहुत महंगी-महंगी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं हम लोग हाँ uh, लेकिन आज टिप ऑफ द वीक में हम लोग आपको बताएंगे इन केस अगर आपको एलोपेशिया है हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है डैंड्रफ बहुत ज़्यादा है इन सब चीज़ों के लिए आप क्या करें कौन सा कोम यूज़ करें सो so चलिए आपको बताते हैं डाइट से रिलेटेड बात है सो so पहले हम लोग बता देते हैं कैसे वॉश करना चाहिए वॉश आपको करना चाहिए आपके फिल्टर्ड वाटर चाहे आर का हो चाहे एक्वागार्ड हो फिल्टर्ड वाटर डायरेक्टली टैप वाटर अगर आपका टी ज़्यादा है हार्ड वाटर है तो वाटर सॉफ्टनर या फिर आपका फिल्टर्ड वाटर से ही आपको जो हेड बाथ है वो करना चाहिए अब उस पानी में आप लीजिए नीम नीम के पत्ते जब आप उबालेंगे तो जो आपका पानी है वो आपको एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज देगा यानी कि आपके चाहे वो बैक्टीरियल ग्रोथ हो या आपके बालों में कुछ और प्रॉब्लम हो रही है वो नहीं होगी सो so, नीम से आप हमेशा वॉश कीजिएगा शैम्पू आप जो भी यूज कर रहे हैं हाँ वो शैम्पू भी है सल्फेट या पेराबिन फ्री होना चाहिए घर पर बनाइए शैम्पू की भी जो रेसिपी है कैसे बनाना है वो मैंने अपने पिछले वीडियोस में बनाई हुई है यूट्यूब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है वो वाला शैम्पू यूज करने के बाद नीम के पानी से हेड बात कर लीजिए उसके बाद कंडीशनर या कुछ और चीज मत लगाना क्योंकि इतना ही आपके लिए काफ़ी है सफिशेंट है अब ब्रश कौन सा यूज करना है नीम की जहाँ बात हो रही है वहाँ पे नीम के ही हम दोबारा से बात करेंगे आ, हम लोग आजकल वीगन कन्वर्ट हो रहे हैं एनिमल क्रालिटी की बात करते हैं आ, या हम लोग नो प्लास्टिक यूज़ या बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं हमने अर्थ डे और बहुत सारे जो डेज़ हैं इन्वायरमेंट डेज वो भी हमने सेलिब्रेट किए हैं सो so, हम लोग अब ब्रशेज़ वगैरह ये छोड़ कर अगर वुड कोम यूज़ करें चाहे वो बैम्बू वुड हो पर अगर आपको नीम कोम मिल जाती है नीम वुड कोम मिल जाती है वो आपके लिए बेस्ट है आपके जो ब्रिसल्स हैं वो ब्रिसल से आपको ब्लड सर्कुलेशन भी देगी ऑक्सीजन सप्लाई बहुत अच्छे से होगा आप याद रखिए दिन में जितनी बार चार पाँच बार भी अगर आप कोम कर सके अगर तो हेयर फॉल कोम से बहुत ज्यादा होता है तो, तो कम कीजिएगा अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि आपके बालों में कभी हेयर फॉल ना हो तो आप कैसे करेंगे आप कोम लीजिए और उसको आपने स्कैल्प पे टच करना है और स्कैल्प पे ही आपको सिर्फ सर्कुलेशन के लिए काम करना है पूरे बालों में कोम करने की जरूरत नहीं है आपको सो so, सिर्फ स्कैल्प पे आप सर्कुलेशन के लिए आपका जो नीम कोम है नीम वुड कोम उससे आप कर सकते हैं या अपने उंगलियों से हल्का हल्का ब्लड सर्कुलेशन जरूर कीजिए रबर बैंड वगैरह टाइट जो यूज़ करते हैं वो ना कीजिए नीम वुड कोम एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ देता है इससे डैंड्रफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा और इनकेस अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है एप्पल साइडर विनेगर में पानी डायल्यूट कीजिए जब वो डाइल्यूट हो जाएगा कॉटन से उसको डैप कीजिए और अपने पे लगाइए फंगल ग्रोथ भी बता दिया बैक्टीरियल ग्रोथ भी बता दिया कौन सा ब्रश करना है यूज़ वो भी बता दिया सो so, कैसा लगा टिप मैक्सिमम शेयर ज़रूर कीजिएगा नीम के दातुन सुने थे अब नीम का कोम भी यूज़ कीजिए आई एम टेकिंग यू टू योर नानी दादी जनरेशन बैक अगेन आर लाइकिंग इट नो डू कॉमेंट थैंक यू